ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों अभी अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है फ्रॉम द जॉइन इंडियन आर्मी, और ये जो साइट जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये मैंने जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट ओपन कर दिया हूँ। एक नई नोटिफिकेशन आई है जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन किस चीज़ के लिए है और इनमें से कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या वे 12th पास अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है, एज लिमिट के बारे में भी हम एक डिटेल जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी एक डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। उसके बाद ये भी बताऊँगा कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इसके बारे में एक डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप सिंपली इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार डिफेंस के जो नए अपडेट आ रहे हैं, जिन नए वैकेंसीज आ रही है, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी हमारे चैनल से दिया जा रहा है। इसी तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स को लेकर। सो जो क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द ब्लू बुक, मतलब बेसिकली जो ब्लू बुक, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, हु हैज़ रिटन द बुक द ब्लू बुक, दिस फोर आर योर ऑप्शंस, ऑप्शन ए अमिताभ कुमार, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी विजय प्रकाश एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में जाकर इसका आंसर दें। मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में एंड में देने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप अपने NDA 1/2022 और CDS 1/2022 के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने करंट अफेयर्स की एक कंप्लीट सीरीज लाया हूं और उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, जहां पे आपको 3 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर हो चुका है और 3 मंथ का करंट अफेयर्स अभी आने वाला है। सो ये 3 मंथ का करंट अफेयर्स जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन पे, इसलिए आप पहले इस 3 मंथ को करंट अफेयर्स को देखें, उसके बाद मैं ये 3 मंथ का करंट अफेयर्स आगे आने वाले विथिन 3 डेज आई विल अपलोड द नेक्स्ट 3 मंथ करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है कि अगर आप NDA का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको SSB का 12 मंथ का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, और अगर आप 6 मंथ का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का SSB का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। मतलब NDA एग्जाम के साथ साथ आपको SSB की फ्री की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कराई जा रही है, और सिर्फ ये 8 मार्च से 11 मार्च के बीच ही होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द अवेल करें। सिमिलरली CDS FCAT और CAPF के प्रिपरेशन के लिए भी अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं CDS CAPF के, तो आपको 3 मंथ का फ्री में SSB की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कराई जाएगी। सिमिलरली अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 6 मंथ का SSB का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ये भी 8 मार्च से 11 मार्च तक होने वाला है। उसके बाद NDA एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी पे एक टारगेट NDA बैच आ गया है, जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 16 मार्च से 5 अप्रैल तक होने वाला है, लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स आपके स्क्रीन पे हैं। सिमिलरली लक्ष्य एयरफोर्स बैच, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, यहाँ पे आपको 9 मार्च से 31 मई तक कराई जाएगी, लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स आपके स्क्रीन पे हैं। इसके बाद अगर आप NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिस बैच आ गई है, जो कि 9 मार्च से 5 अप्रैल तक होने वाला है, एस NDA बैच, यहाँ पे भी आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं। अगर आप NDA का प्लस का सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने, पे करने से पहले यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको FD10 टाइप कर देना है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा NDA के कोर्सेज पे। सिमिलरली CDS ने भी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए भी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना प्लान सेलेक्ट करने के बाद ये प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं, यहाँ पे भी आपको FD10 यूज करना है, ताकि आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे। इस दोनों कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब वापस से आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सो ये जो न्यू वैकेंसी जो आप सभी के लिए आई है जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे, ये न्यू वैकेंसी 52nd कोर्स NCC स्पेशल एंट्री के लिए है, और यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई, मतलब दोनों मेन एज वेल एज वुमेन के लिए है ये जो 52nd कोर्स स्पेशल एंट्री वाला जो स्कीम है। और जब आपको इसको अप्लाई करना होगा तो आप इसको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, प्लस इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है इसके बारे में। सो जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 15th ऑफ मार्च,
मतलब 15 मार्च को इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मालूम कैसे चलेगा, तो आपको जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे जाना होगा। जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास आईडी एंड पासवर्ड पहले से है तो आपको लॉगिन कर लेना होगा, और अगर आपके पास आईडी एंड पासवर्ड नहीं है तो आपको क्रिएट करना होगा, मतलब आपको रजिस्टर करना होगा जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे। सो 15 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है टू अप्लाई, आप 13 अप्रैल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 15 मार्च से 13 अप्रैल अराउंड 28 डेज। इसके बाद द लास्ट डेट टू कंप्लीट द फॉर्म भी 13 अप्रैल ही होने वाला है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे आ जाता है, आप वहां पे जाएं और आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हो तो। अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है। सो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपका SSB का कॉल आएगा। उसके बाद जब आप SSB इंटरव्यू में अपीयर होंगे और जब आप SSB में रिकमेंड होंगे तो इसका जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के मंथ में इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग OTA में होने वाली है, OTA चेन्नई में। उसके बाद जहां पे आपको अराउंड 49 वीक्स की ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बाद यू विल बी कमीशन इनटू द लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है सभी के लिए, बीट, जनरल, OBC, SC, ST, फीमेल, मतलब नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ओनली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सिंपली अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो आपको सिंपली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। इसका कोई अलग से एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू अप्लाई फॉर द 52nd कोर्स ऑफ NCC एंट्री। इसके बारे में जब हम बात करते हैं इसके पोस्ट और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो जो इसका जो टोटल पोस्ट है ये तो अभी नहीं नोटिफाई की गई है जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से, लेकिन ये 52nd कोर्स के लिए होने वाली है, मेन के लिए, और वुमेन के लिए भी 52nd कोर्स ही है। लेकिन इसके एलिजिबिलिटी, मतलब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर मेंशन कर दिया गया है जो है कि यू शुड हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, मतलब यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आपको एक ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स आने हैं, आपको कोई भी डिग्री हो, BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, बशर्ते यू मस्ट हैव स्कोर्ड 50% ऑफ मार्क इन द ग्रेजुएशन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आप सभी के लिए है, NCC B और C सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास आइदर NCC B सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NCC C सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद इसका एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स ऑफ एज, आपका एज 19 से 25 साल के बीच होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2022 के अगर हम लेते हैं, इफ़ यू काउंट योर डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ टू 1 जुलाई 2022, देन आपका जो ईयर होना चाहिए, जो आपका एज होना चाहिए, ये 19 to 25 ईयर्स के बीच होना चाहिए। सो ये था एक कंप्लीट जानकारी आपको इस 52nd कोर्स ऑफ NCC एंट्री के लिए, उसका एज लिमिट, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका अभी वैकेंसी तो इसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, बट इसकी जो वैकेंसी जो एवरी ईयर आती है, इसकी वैकेंसी अराउंड 50 पोस्ट के आसपास होती है, और 50 में से लगभग 5 से 6 पोस्ट, अराउंड 5 to 6 पोस्ट इज जनरली देयर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, एंड अराउंड 44 to 45 पोस्ट्स आर देयर फॉर मेन। सो मतलब टोटल ऑफ 50 पोस्ट, और 50 में से 45 पोस्ट मेन के लिए और 5 पोस्ट फीमेल के लिए। सो ये रहती है वैकेंसी। जब हम बात कर रहे हैं 50 जो नोटिफिकेशन आई थी 51st कोर्स के लिए, या फिर 50th कोर्स के लिए, या फिर 49th कोर्स के लिए, तो उसमें टोटल वैकेंसी 50 ही देखी गई थी। सो इस बार भी टोटल वैकेंसी इतना ही होने वाली है। तो ये था एक कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू वैकेंसी। सो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी कभी कभी आती है, इसीलिए यू जस्ट अप्लाई, बिकॉज वंस यू क्लियर दिस SSB इंटरव्यू एंड यू विल बी कमीशन इन टू द इंडियन आर्मी। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच आई हैड आस्क्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, सो योर क्वेश्चन वॉज हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द ब्लू बुक, और ये चार आपके ऑप्शंस थे। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए अमिताभ कुमार इज द राइट आंसर, अमिताभ कुमार हैज़ रिटन द बुक द ब्लू बुक।
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके पास स्टिल कोई और डाउट है रिगार्डिंग द NDA प्रिपरेशन, CDS प्रिपरेशन, SSB प्रिपरेशन, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, और रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग हाउ टू फिल द SSB फॉर्म्स, एनी अदर थिंग यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो सजेस्ट द टॉपिक। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें आगे आने वाले वीडियोज़ में किन टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड।